यहाँ से 6 मील दूरी पर एक पहाड़ का छोटा टीला है, सुना है वही छिपा रखा है लक्ष्मण ने लूट का माल। तो देरी किस बात की, चले फिर। वो तुम्हारे साथ आने वाला था ना, कहाँ छोड़ा आया उसको? 2 महीने पहले किसी अज्ञात बीमारी से मारा गया, आखिरी वक्त पर मिले थे हम उससे, बताया गया वो खा रखा है सरदार ने। तो चले। सुने हो? टोली का हर एक डाकू मानो जैसे वजूद ही मिट गया। 3 साल पहले की बात रही, जिंदगी की सबसे बड़ी लूट मचाए थे। लूट नहीं, हत्या का बस खून लगाए हत्या। एक गांव के सैकड़ों लोगों को मार देना और बच्चों को आग में साड़ देना, बस खून लगाए। शिवालमिकी की 3 सालों ने बड़ा पछतावा करा है तुम्हें, वो भी तब जब एक एक कर टोली के सारे डाकू मरने लगे। मौत का डर या तुम्हें जिंदगी की विलास याद दिलाता रहा या विरहा? ऐसे बिन मतलब बागी बने क्या फायदा, ना नर्क दूर ना स्वर्ग मंजिल। तो आए कहाँ हैं यहाँ लूट का माल अत्यानी? किसी मंदिर में ब्राह्मण बन जाते फिर क्यों रखे पैर इन दलदली भी हड़ों में? कोशिश की पर हर जगह जुर्म के साए नजर आते। यही इलाके के इक्के दुक्के गाँव छोड़ के कहीं बसर नहीं होने वाला, थोड़े पैसे मिल जाते तो कहीं दूर चले जाते। तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें थोड़ा थोड़ा? थोड़ा 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 पता थी ये शराब वाली? लक्ष्मण को देखे थे हम, थोड़ा जैसी हालत हो गई थी उसकी, हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय उसे वहां छोड़ाने के। इसे शराब समझना चाहो तो समझ सकते हो माधव, पर ना ये जगह कई मायने में जादुई भी है, बशर्ते तुम क्या चाहते हो। पिछले 3 साल तो हर रोज रात ही मैंने बस एक ही सपना होना,
बात सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ना जाने कितनों के साथ गलत किया होगा हमने। जब मौत पुलिस बनकर आई तो भाग पड़े सब। 3 साल पे इस बदल कर छुपे रहे। लूट का सामान भी छुपा दिया कि आगे जाके ले लेंगे, पर ना लूट पर दावा करने वाला कोई बचा और ना ही उससे दूर जा सके। रात की सुबह होती है माधव, ये भी बस एक रात है, बीत जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब पैसे आ जाएंगे तब क्या करोगे? इस जगह से जितना दूर हो सके चले जाऊंगा। खेती करूंगा, एक घर बसाऊंगा, अपनी वोटी होगी, खुद का एक परिवार होगा और फिर उसी कर में डकैती कर दूंगा, खुद का घर लूट लेंगे। दोस्त का